हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो एक्यूरेट टाइम पे है और इसीलिए ये वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैं आज आपको बताऊँगी कि आप इलायची का पौधा घर में कैसे उगाएं। देखिए, इलायची को उगाने के लिए सबसे पहले गर्मी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए और नमी होनी चाहिए। सेकेंड चीज़, उत्तर भारत में इलायची की खेती बहुत अच्छी होती है क्योंकि ये दोनों चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। और मैंने भी इसीलिए इस मौसम को चुना, और अप्रैल मई सबसे बेस्ट महीना है इलायची उगाने के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इस लॉकडाउन में आप इलायची के पौधे अपने घर में उगा सकते हैं। उसकी पत्तियों में इतनी अच्छी स्मेल होती है और सीड्स तो हाँ ही है इतने महंगे, और अगर आप घर में अवेलेबल होगा तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो किस तरह से क्या करना है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सारी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल ही होंगी। मेरे घर में अवेलेबल हैं तो आपके घर में भी अवेलेबल होंगी। किस तरह से बनाना है और सारी चीज़ों को एक आपको कैलकुलेटिव मोड पे लेके चलना है, तभी ये पौधा आपके घर में ग्रो कर पाएगा, वरना ग्रो नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको बहुत बड़े बड़े गमलों की ज़रूरत है या कुछ भी ज़रूरत है। अगर एक छोटा सा कप भी आपके घर में है तो आप इलायची का छोटा सा पौधा उगा के उसकी पत्तियों को जस्ट लाइक जो इलायची की स्मेल होती है वो पूरी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा बड़ा बर्तन है तो आगे चल के आपको उसमें सीड्स भी मिल जाएंगे। तो मैंने क्योंकि इस चीज़ को किया है और मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से, और इस वीडियो को भी मैं पोस्ट तभी करूंगी जब वो पौधा मेरा बड़ा हो जाएगा। यानी ये वीडियो मैं पहले शूट कर रही हूँ और इसको अपलोड करूंगी काफ़ी दिन बाद जब वो पौधा हल्का सा भी ग्रो करने लगेगा, और आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से ये ग्रो कर रहा है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आओ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरे न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब करिए जिसमें लॉकडाउन स्पेशल आप फेशियल हेयर कैसे निकाल सकते हैं, आप हेयर्स को कैसे अच्छा कर सकते हैं, विदाउट कलर आप अपने बालों को विदाउट केमिकल विदाउट कलर किस तरह से कलर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई हुई हैं। तो लिंक मैंने नीचे दे दिया है, और एक बार मैं आपको बता भी दूँ कि उसका नाम है सुगम ब्यूटी जोन, तो आप सर्च भी कर सकते हैं। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, एक प्लांट लगाने के लिए आपको चाहिए 10 से 12 इलायची, और इस इलायची को आपको छील लेना है। इस तरह से आपको इलायची के दाने ले लेने हैं, और देन इसके बाद आपको इसमें पानी डाल के एक रात के लिए ऐसे ही ढक के रख देना है। तो मैं इसे आज ऐसे ही रात भर ढक के रखने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको मिट्टी रेडी करनी है, और ये देखिएगा कि इसमें बालू की क्वांटिटी ज़्यादा रखें। जो भी घर में दूसरे प्लांट लगे हुए हैं उसकी थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए, और बालू अवेलेबल हो तो आप बालू उसमें रखिए, क्योंकि ये जो पौधा है ये दोनों चीज़ों से मिलके ही आपका ग्रो कर पाएगा। तो इस तरह से छोटे छोटे ग्लास, कोई भी पॉट, कोई भी आइसक्रीम का डिब्बा हो, आप उसमें ये सारी चीज़ें अच्छे से भर दीजिए। थोड़ा सा दबा दबा के ही भरिएगा, लेकिन मिट्टी में बालू की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो मैंने छोटे छोटे ग्लास पड़े थे वो ले रखे हैं, आपके पास जो आइसक्रीम के पुराने डिब्बे हों वो ले लीजिए, कोई भी डिब्बा हो, कोई भी पॉट हो, इवन मिट्टी का पॉट हो, वो सारी चीज़ें आप ले लीजिएगा। लेकिन मिट्टी की बालू की क्वांटिटी और मिट्टी की क्वांटिटी इक्वल रखिएगा। खाद अगर अच्छी हो तो ज़्यादा अच्छा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इनको अच्छे से दबा दबा के भर लीजिएगा, जिससे कि जो है अगर आप पानी डालें तो पानी ज़्यादा देर तक रुके, क्योंकि नमी और धूप दोनों ज़रूरी है इलायची के पेड़ को ग्रो करने के लिए। तो दबा दबा के अच्छे से इनको भर लीजिए, और ये सारे भर चुके हैं। इसके बाद आप इसमें इलायची के सीड्स डालिए। इलायची के सीड्स डालने के बाद आप फिर इनको अच्छे से दबा दीजिए। तो क्या करना है, दानों को 6-7 दाने एक ग्लास में डालिए, और दाने डालने के बाद दोबारा से मिट्टी डालिए, और दोबारा से मिट्टी ऊपर से डालिए। दोबारा से मिट्टी ऊपर डालने के बाद आपको पानी अच्छे से भरना है। और प्लीज़ फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा इसमें नमी मेंटेन रहे, सुबह शाम पानी डालिए और पानी भरते रहिए, क्योंकि नमी और धूप दोनों ही ज़रूरी है इलायची के पेड़ को ग्रो करने के लिए। अगर आपको लगे कि इनमें से किसी एक में भी आने के चांसेस हैं तो उसे बहुत अच्छे से रखिए, और ग्लास में पानी हमेशा भरे रखिए। इसके बाद इसको ढक दीजिए, यानी चारों को अच्छे से पॉलीथीन से ढक के रख दीजिए 10 से 15 दिन। लेकिन पॉलीथीन को निकाल के पानी डालते रहिए, धूप दिखाते रहिए, और आज आफ्टर 20 डे आप इसमें देखेंगे पेड़ जो है वो आने लगा है। और अगर आप इसके इन पत्तों को भी अपनी चाय में अच्छे से डालेंगे तो आपकी जो
चाय में इलायची की महक है वो बहुत अच्छी आएगी। तो आप देख सकते हैं पेड़ काफ़ी अच्छे हैं और मेरी मेहनत भी काफ़ी सफल हुई है, तो ट्राई